अस्सलाम वालेकुम। लेटेक्स सीखने में ये हमारा आज का पहला ट्यूटोरियल है। इसके बाद मैं आप लोगों को और भी ट्यूटोरियल दे रहा हूँगा। तो लेटेक्स पहले हम जानते हैं कि हम लेटेक यूज़ क्यों करते हैं। लेटेक बेसिकली हमारे पास राइटिंग्स के लिए यूज़ होता है, एकेडमिक राइटिंग्स के लिए। हम इस वर्ल्ड वाइड लेटेक में आर्टिकल्स लिख के पब्लिश किए जाते हैं। थीसिस, पब्लिकेशन जो भी होती हैं वो लेटेक में लिखी जाती हैं। आप साइंस देख लें, इंजीनियरिंग देख लें, मैथमेटिक्स देख लें, कोई भी आर्टिकल पब्लिशिंग होगी, थीसिस पब्लिशिंग होगी, बुक पब्लिशिंग होगी, वो डॉक्यूमेंट लेटेक में लिखा जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या ऑफिस में नहीं लिखा जाता। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेटेक में लिखे जाते हैं। होपफुली आप यहाँ पर आए हैं वीडियो देखने के लिए, लेटेक सीखने के लिए। तो इसका मतलब है कि आपको लेटेक के बारे में पहले से थोड़ा सा पता है। इसको प्रोनाउंस भी ठीक करना, ये लेटेक्स नहीं है, ये लेटेक है। तो आप लोगों ने सबसे पहले दो चीज़ें डाउनलोड करनी है। एक आपने टेक्स्ट मेकर डाउनलोड करना है और एक आपने मिकटेक कंसोल डाउनलोड करना है। इन दोनों को आपने इंस्टॉल करना है। मैं टेक्स्ट मेकर इसलिए प्रेफर करता हूँ टेक्स्ट वर्क्स की बजाय। एक और भी सॉफ्टवेयर है टेक्स्ट वर्क, उसकी बजाय मैं टेक्स्ट मेकर इसलिए प्रेफर करता हूँ कि बिगनर्स के लिए ईजी है। ये आपको हेल्प करता रहता है, ये साथ साथ आपको हिंट्स देता रहता है कि आप आगे क्या करना चाह रहे हैं। तो जब आप टेक्स्ट मेकर डाउनलोड कर लेंगे, अगर आपने नहीं किया तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे देता हूँ, टेक्स्ट मेकर की भी और मिकटेक कंसोल की भी। आपने ये दोनों सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने हैं और इंस्टॉल करने हैं। जब आपके पास टेक्स्ट मेकर इंस्टॉल हो जाएगा तो आपने उसे ओपन करना है। तो आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। आपने सबसे पहले ऑप्शन में जाके कन्फिगर टेक्स्ट मेकर में आपने इसको चेक कर लेना है, कन्फिग्रेशन को। ठीक है, इधर आपने ये PDF लेटेक्स प्लस व्यू PDF का ऑप्शन सेलेक्ट करना है ताकि आपके पास PDF भी साथ व्यू होती जाए। उसके बाद आपने एडिटर में जाके चेक कर लेना है। ठीक है, सब कुछ ठीक है। एंड देन यहाँ पर हमारे पास शॉर्टकट्स हैं लेटेक के, जो बिल्ट इन शॉर्टकट्स हैं, आप इनको देख सकते हैं। अगर आप इनमें से याद करने में इंटरेस्टेड हों या जो भी है तो आप यहाँ से इनको देख सकते हैं। चलें ठीक है, अब हम लेटेक स्टार्ट करते हैं। तो लेटेक में हमारे पास, जब ये स्क्रीन आपके पास आ जाएगी तो आपने कंट्रोल एन दबा के न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लेना है। मैंने ये अब ये कंट्रोल एन दबाया तो मेरे पास ये न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। अब सबसे पहला काम होता है इसमें, मैंने डिफाइन करना है कि मैं लिख क्या रहा हूँ। मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ, बुक लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ। तो हम बेसिकली आमतौर पर जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो आर्टिकल यूज़ होता है। तो हम यहाँ पर आर्टिकल से डिफाइन करते हैं कि मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ। इसके अलावा ये है कि लेटेक में हम जो भी कमांड इसे देते हैं, इट इज़ जस्ट लाइक अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब हम इसमें कोई कमांड देते हैं तो हम इसको बैक स्लैश से कमांड देते हैं। बैक स्लैश के बाद जो भी लिखेंगे लेटेक उसे रीड करेगा एज अ कमांड। तो अब हम मैंने इसे कमांड देनी है कि मैं एक डॉक्यूमेंट क्लास में मैंने डिफाइन करनी है कि मैं इस क्लास का डॉक्यूमेंट लिख रहा हूँ। लेट से मैंने आर्टिकल डिफाइन करना, तो मैं लिख दूंगा बैक स्लैश डॉक्यूमेंट, और ये साथ मुझे हिंट दे रहा है कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर एंटर दबा दिया, तो ये मेरे पास आगे ब्रैकेट्स में जो डॉट लगा हुआ है वो ब्लू कलर में, इसका मतलब है ये सिलेक्टेड है। मैं कुछ भी लिखूंगा ये डॉट से रिप्लेस हो जाएगा। अब जो मेरे पास बड़ी ब्रैकेट्स हैं इनमें मैं डिफाइन करूंगा मेरे पास डॉक्यूमेंट 11 पॉइंट्स, 12 पॉइंट्स का होगा या 10 पॉइंट्स का होगा, यानी 10, 11 एंड 12। ये आपके पास लेटेक तीन चॉइसेस देता है आपको डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने की, कि उसमें जो फॉन्ट साइज है वो क्या होगा। तो मैं यहाँ पर 11 कर देता हूँ, 11 PT। उसके बाद डॉक्यूमेंट क्लास में डिफाइन कर देता हूँ आर्टिकल। ठीक है, अब दूसरा काम है कि अब ये मैंने डॉक्यूमेंट क्लास डिफाइन कर दी है, अब मैंने डॉक्यूमेंट स्टार्ट करना है। तो मैं बैक स्लैश बिगिन और कर्ली ब्रेसिस में लिख दूंगा डॉक्यूमेंट। अब मैंने लेटेक को कमांड दे दी है कि डॉक्यूमेंट को बिगिन कर दो। अब जैसे ही मैंने बिगिन डॉक्यूमेंट किया, इसका मतलब है कि मैंने कहीं ना कहीं जाके उस डॉक्यूमेंट को एंड भी करना है। अब बिगिन डॉक्यूमेंट एंड एंड डॉक्यूमेंट के दरमियान मैं जो भी लिखूंगा वो मेरा क्या होगा, PDF में मुझे शो होगा, वो मेरा एक्चुअल डॉक्यूमेंट होगा। तो लेट्स से मैं यहाँ पर लिखता हूँ, दिस इज ट्यूटोरियल। अब मैंने इसे, अब क्या है मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैंने इसे पहले सेव करना है, फिर मैंने इसे रन एंड कंपाइल करना है एट्सेट्रा। तो लेट्स सेव इट फर्स्ट। तो कंट्रोल ऐसे इसे सेव कर लेते हैं, कहीं जाके भी मेरे पास सारी ओपन हो जाएंगी।
सब्सिडरीज यहाँ पर मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ ट्यूटोरियल्स के नाम से। इसमें मैं इसे सेव कर लेता हूँ ट्यूटोरियल 1 के नाम से। अब मैंने इसे सेव कर लिया ट्यूटोरियल 1 के नाम से। अब मैंने इसे पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। अब पीडीएफ में कन्वर्ट करने के मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन है। एक तो मैं यहाँ से इसे कंपाइल कर सकता हूँ। अब ये मेरे पास जो मेरा डॉक्यूमेंट की ये कोडिंग है ये कंपाइल हो गई है, और यहाँ से मैं इसे पीडीएफ में शो करवा सकता हूँ। अब मुझे पीडीएफ तो कहीं नज़र ही नहीं आ रही। ये आपके पास नीचे ऑप्शन है स्ट्रक्चर मैसेज लॉग पीडीएफ व्यूअर सोर्स व्यूअर। सोर्स व्यूअर आपको वो सोर्स कोड सारा दिखाएगा। पीडीएफ व्यूअर अगर आप दिखाएं तो ये मेरे पास ये पीडीएफ शो हो रही है इस डॉक्यूमेंट की। ठीक है, ये मेरे पास फर्स्ट पेज पे लिखा गया। मैंने बिगिन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट के दरमियान सिर्फ ये लिखा है दिस इज़ फर्स्ट ट्यूटोरियल, और वो दिस इज़ फर्स्ट ट्यूटोरियल एज इट इज़ मेरे पास लिखा आ गया है। और ये जो मैसेज लॉग है ये मेरे पास यहाँ पर एरर्स वगैरह दिखाने के लिए होता है। अब आप देखेंगे मैंने यहाँ से इसे कंपाइल किया एंड देन यहाँ से मैंने इसे पीडीएफ में कन्वर्ट किया। इसका सिंपल मेरे पास एक और शॉर्टकट है F1। मैं F1 दबाऊंगा तो ये मेरे पास कंपाइल एंड पीडीएफ राइट कर देगा एक ही कमांड से। ठीक है, अब हमने ये सीख लिया कि हमने डॉक्यूमेंट को बिगिन कैसे करना है, और ये हमने डॉक्यूमेंट क्लास भी डिफाइन कर दी है। हम साइंस एंड इंजीनियरिंग के स्टूडेंट बेसिकली इंटरेस्टेड होते हैं कि हमने मैथमेटिक्स इसमें कैसे लिखनी है, तो मैथमेटिक्स लिखने के भी हमारे पास डिफरेंट तरीके होते हैं। अब एक लाइन मैंने लिखी है, अब मैं इधर कोड वाली जगह पे कंसोल में दूसरी लाइन पे आ गया हूँ। ठीक है, दूसरी लाइन में अब मैं आगे यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज माई लाइन। कंपाइल करता हूँ। अब आप देखें कि इधर मैंने दो डिफरेंट लाइंस पे लिखा हुआ है लेकिन पीडीएफ में मेरे पास एक ही लाइन पे है, तो लेटेक नहीं समझता कि ये मेरे पास उसने नेक्स्ट लाइन में लिखा है या जहाँ पर भी लिखा है दरमियान में 8 स्पेसेस दे दी हैं 10 स्पेसेस दे दी हैं, वो इस चीज़ को नहीं समझेगा। अगर आपने नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करनी है तो आपको यहाँ पे एक दरमियान में स्पेस देनी पड़ेगी। एक तरीका आपके पास ये है तो उधर पीडीएफ में नेक्स्ट लाइन हो जाएगी। दूसरा तरीका आपके पास पे ये है कि जहाँ पे आपने लाइन एंड करनी है और न्यू लाइन स्टार्ट करनी है वहाँ पर आप 2 बैक स्लैशेस लगा दें। ये भी हमारे पास सेम तरीका है, लेकिन अब देखें कि 2 बैक स्लैशेस लगाने से उसने क्या किया, हमारे पास वो नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये फ़र्क है, ये हम आगे जाके देखेंगे कि क्यों फ़र्क है। अभी हम इसे एक ही लाइन में रखते हैं और लेट्स गो द हार्ड वे कि हम यहाँ से इसे स्पेस दे देते हैं। सही है, अब ये है कि मैंने इसमें मैथ स्टार्ट करनी है। अब मैंने फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन लिखनी है वाई इज इक्वल टू एक्स टू द एक्स स्क्वेयर, मैंने ये इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, तो अब जो मेरे पास एक इमेज बिल्ड हो रही है वो ये है कि मेरे पास पीडीएफ में जो आएगा वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 2 आएगा। तो जब हम इसे कंपाइल करते हैं तो वो वैसा नहीं है, ये हमें एरर दे रहा है। क्या कह रहा है, मिसिंग समथिंग, हमारे पास कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है, अब वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर हमारे पास मैथ मोड है, ये हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज का तो कुछ नहीं है। तो इक्वेशन लिखने से पहले, कोई भी मैथमेटिक की टर्म लिखने से पहले हम मैथ मोड में एंटर होंगे, और वो हम कैसे हो सकते हैं, हमारे पास डिफरेंट वेज हैं। हम बिगिन इक्वेशन एंड इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, बिगिन अलाइन एंड अलाइन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा इन लाइन और मैथ इन्वायरमेंट दो डिफरेंट चीज़ें हैं हमारे पास। इन लाइन अगर हमने मैथमेटिक्स लिखनी है तो उसके भी हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका है कि हम इक्वेशन के स्टार्ट में और एंड में डॉलर साइंस लगा दें। अब जब मैं इसको वो कंपाइल करूँगा तो मेरे पास डॉलर साइंस के दरमियान जो भी है वो मैथ मोड में लिखा गया, और वो उस इक्वेशन को कंपाइल करके मेरे पास इक्वेशन लिखेगा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। अब सिंगल डॉलर साइन मेरे पास इन लाइन मैथ मोड है। अब मैंने अगर इस इक्वेशन को एक सेपरेट लाइन में लिखना है तो मैं डबल डॉलर से स्टार्ट करूंगा और डबल डॉलर पे एंड कर दूंगा, तो अब ये मेरे पास अलग से लाइन में लिखा गया है। अगर मैंने अलग से लाइन में लिखना है इसे तो मैं क्या करूंगा, दिस इज थर्ड लाइन। अब मैंने थर्ड लाइन में इधर कोड वाली में एक इक्वेशन लिखी है डबल डॉलर साइन के साथ वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब ये मेरे पास एक अलग लाइन में शो होगी वहाँ पे। यहाँ पे मैं लेट से
नेक्स्ट लाइन स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, अब सिंगल डॉलर और डबल डॉलर साइन के अलावा मेरे पास एक और भी तरीका है जो सेम चीज को रिप्रेजेंट करता है। मैं बैक स्लैश ब्रेसिस से भी स्टार्ट कर सकता हूँ इक्वेशन मोड को, एंड बैक स्लैश ब्रेसिस से क्लोज भी कर सकता हूँ। अगर इसमें मैं वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर लिखूँ तो ये मेरे पास सेम ही आएगा रिजल्ट, जैसे कि मेरे पास ये सिंगल डॉलर साइन वाला है। इसी तरह अगर मैंने अलग से लाइन वाले में लिखना है, दिस इज न्यू लाइन, अलग से लाइन में लिखना है, तो ये मैं ऐसे बैक स्लैश बिग ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा एंड देन बैक स्लैश बिग ब्रैकेट क्लोज करूंगा। इसके दरमियान अब मैं जो भी लिखूंगा वो एक सेपरेट लाइन में मेरे पास इक्वेशन लिखी जाएगी, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इसको मैं कंपाइल करता हूँ तो मेरे पास वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब लिखा गया। इस तरह अब मैंने मैथ इन लाइन मैथ और सेपरेट से अगर लाइन में मैथमेटिक्स की इक्वेशन मैंने लिखनी है तो मैंने ऐसे लिखनी है। आई होप ये इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी। ये बस एक छोटा सा ट्यूटोरियल था आपके लिए, बाकी हम ट्यूटोरियल्स आगे देखेंगे, इसमें हम और भी चीज़ें सीखेंगे मैथ मोड में, इक्वेशंस मोड में, और हम इसके बारे में और सीखेंगे। थैंक यू।